ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से आए हमारे पीटीआई सर। अब हमारे पीटीआई सर बड़े खराब थे, और भाई क्या हाल है, फिर कब का प्लान है घूमने जाने का, कब चल रहा है घूमने, फिर चलते हैं घूम फिर के आते हैं सब कुछ। ओ अच्छा चल, मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर बाद में कॉल करता हूँ मैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी। हाँ तो यार देखो, ऐसे अपन का, हमारे सबका ऐसे ही दिन निकलता है, जब हम घर पे बोर होते हैं तो हमें बस एक ही बंदा मिलता है, वो होते हैं हमारे फ्रेंड्स। जब भी कहीं बाहर अकेले वॉक करने जा रहे हैं तभी मन करता है कि चलो फ्रेंड्स के साथ एक तो बातें कर लेते हैं, थोड़े मतलब हंसी मजाक कर लेते हैं। जब से लॉकडाउन आया, जब से कोविड आ गया, तब तो मतलब नेक्स्ट लेवल वाली बातें होती थी फोन में, एक एक घंटे की बातें पहुंच जाती। कमेंट कर तुमने बातें की, मैं तो बहुत ज्यादा की है, प्लस पबजी बहुत ज्यादा खेली फ्रेंड के साथ। तो यार हम ये भूल नहीं सकते यार ना, कि मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वैसे हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, जिनको हम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह देते हैं अपने दिल के अंदर। मैं तो देता हूँ भाई, और हम सब फ्रेंड्स एक साथ मतलब रहते हैं और बातें शाते सब कुछ करते हैं। तो जब भी बस एक थोड़ा फ़ोन चलता नहीं है, थोड़ा ऐसे मैंने डेमो के लिए लिया था, वैसे थोड़ा ऐसे खराब पड़ा हुआ ये। नहीं रुक, तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे सभी यार, उम्मीद करता हूँ यू आर एब्सोल्युटली फाइन, मौज में होंगे, मौज कर रहे होंगे। स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। सॉरी बहुत दिनों के बाद व्लॉग नहीं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, और वो थोड़ा मैं बाद में बताऊँगा। अभी थोड़ा माहौल खुशी का माहौल है, वो वाला बेकार है, छोड़ो पर उसको तुम। तो यार देखो, मैंने काफ़ी जब तुम्हें इंसिडेंट सुनाए हुए, मैंने तुम्हें आगरा का इंसिडेंट सुना दिया, अपनी फैमिली का इंसिडेंट सुना दिया, बट आज तुम्हें ना मैं इतना मतलब खुश हो जाओगे, तुम्हें भी लगेगा यार अक्षय सच में ऐसा भी होता है। तो यार देखो, आज की जो ये वाली वीडियो होने वाली, इसमें तुम्हें मैं अपने फ्रेंड्स का इंसिडेंट सुनाऊंगा जो उन्होंने स्कूल में किए थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे कोई हेट नहीं है टीचर्स को या किसी को भी, या कोई इसके मतलब अंगेज चल जाए, जस्ट फॉर फन मैं एक ऐसे सुना रहा हूँ इंसिडेंट, या फिर किसी को मैं डिग्रेड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपली एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो तुम्हें सुना रहा हूँ मैं, और तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा देखना सुन के 100%। तो कमेंट कर देना और जाओ जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, 1K जल्दी ही कंप्लीट करने हैं अपन को, और बस फिर मजे करेंगे और बड़ी फैमिली हो जाएगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो यार, हमारी क्लास में क्या था ना, अब होता क्या है ना कि देखो हम जो लड़के होते हैं वो हर किसी के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। अब जो मेरी क्लास थी ना, उसमें जो हम सब लड़के थे, पता नहीं कितने ज़्यादा लड़कियों की स्ट्रेंथ थी, लड़के थोड़े कम थे, 2-3 नंबर ही कम थे, मतलब मान लो 18 लड़के थे, तो हम सब 18 इकट्ठे ही रहे करते थे। बस ये था कि लंच ब्रेक में कभी कभी थोड़े अलग अलग बैठते थे, बट हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था। अब तब के टाइम में थोड़े मतलब 1-2 साल पहले की बात है, अब थोड़े उस मतलब हमने क्या डिसाइड करना कि यार कि जैसे ही मान लो हमारा 4th पीरियड के बाद हमारी लंच ब्रेक हुआ करती थी ना, तो 4th पीरियड के जैसे ही मतलब शुरू होता था, तो हमारा कोई भी ऐसे सब्जेक्ट ले लो, मैं नाम नहीं लूँगा, तो हमारा शुरू होता था, तो हमने क्या करना, चुपचाप एक पेज लेंगे, उसमें पेन लेंगे और एक पेन ले लेंगे, उसमें लिख देंगे टीम 1 और टीम 2। अब हमारा तब हम 2 स्पोर्ट बहुत ज़्यादा खेलते थे, एक था हमारा कबड्डी और एक फुटबॉल। फुटबॉल इतना हमने प्रेफरेंस नहीं दी है, ज़्यादा हमने कबड्डी खेली है, तो अब हम कबड्डी खेलते थे। अब एक जो हमारा लीडर हुआ करता था, तो वो काफ़ी थोड़ा अच्छा था वेट वूट में, तो उसको कबड्डी बहुत पसंद थी। मेरे जो इतने फ्रेंड्स थे सब कबड्डी खेलते थे, सब जिनको देखो वो कबड्डी बहुत बड़े फैन रह चुके थे कबड्डी के ना वो, और बहुत अच्छा भी खेलते थे, कोई शक नहीं है। मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, मैं बहुत कमजोर मतलब थोड़ा पतला सा था, और वो भाई पूरे मस्कुलर भाई क्या कबड्डी खेलते थे, पूरी पेंट पुंट फाड़ लेनी। तो मैं आगे सुनाता हूँ जरा किस्सा ना। तो फिर क्या होना ना, तो हमने ना 4th पीरियड में डिसाइड कर लेना कि यार चलो यार टीम बना लेते, और कभी कभी ना हमने एंट्री लगानी कि यार चल 50-60 रुपये की एंट्री लगा ली। ये बहुत रेयर चांस हुआ करते थे कि एंट्री लगाते थे हम। तो अब हमने सिंपली फ्रेंडली मैच करने, अब 4th पीरियड में हम सर्कुलर पास करते थे एक दूसरे को, यार देख टीम बनाते हैं, एक एक बंदे को डाल लेते हैं अपनी अपनी टीम में। अब टीम बन गई, अब हमारा क्या होता था, जैसे लंच ब्रेक, गला सूख गया मेरा, जाके इलाज करो अपना। अब जैसे लंच ब्रेक क्या बोलते शुरू होगी ना, तो हमने डिसाइड करना कि यार जल्दी से खाना खाना है और जल्दी से वो खेलनी कबड्डी। अब 2 ग्रुप जैसे हमारे होते थे, अलग अलग थोड़े बैठते थे, जैसे दूसरे कबड्डी वाले जो फ्रेंड्स हुआ करते थे हमारे, वो अपना खाना खाते थे, हम अपना खाते थे, हम थोड़े स्लो खाना खाते थे, वो बहुत जल्दी खा के बैठ जाते थे। अब होता क्या था कि जैसे ही लंच ब्रेक शुरू होगी, उन्होंने खाना खा लेना, और वो बिल्कुल पूरा उन्होंने जूते जूतों से पूरी बाउंड्री टिफिन से बिल्कुल लाइन लून बना देनी पूरी, और बोनस लाइन लून सब कुछ बना के बैठते थे, और हम जाते थे फिर हमने खेलना खूलना। अब होता क्या था कि जब हम कबड्डी खेलना शुरू हो जाना, अब ना अब वो थोड़े मस्कुलर थे, थोड़ा पतला हूँ ना मैं, तो ऐसे थोड़ा बहुत तो करते थे कि यार तू क्या खेलेगा ऐसे ऐसे वो, बट तुक्का खत्म नहीं होता बे, कोई डिग्रेड मतलब ऐसे नहीं बोलते थे कि मत खेल, बट ऐसे मजाक मजूक तो चलता था, तो ऐसे बस हमने कबड्डी खेलना शुरू कर देना। अब हम कबड्डी खेलते थे,
तो कबड्डी खेलने खेलने, अब हमारा टाइम होता था 11 से 11:20 लंच ब्रेक का। अब 11:20 के बाद यार देखो मैं जो था मैं तो चल जाता था, बट ये तीन चार जो मेरे दोस्त थे, तीन चार पांच जो दोस्त थे ना, ये मतलब किसी की सुनते नहीं थे ना, ये इन्होंने अपनी करनी। और ऐसे ही मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब बड़े वो थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, एथलेटिक्स में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे स्प्रिंटर रह चुके हैं मेरे दोस्त सारे, बहुत अच्छे भागते वगैरह थे ना, और कबड्डी बहुत अच्छी, टूर्नामेंट भी खेल के आए थे, हम मेरे को लेके गए थे, बट गए थे टूर्नामेंट खेलने ना ये। अब हुआ क्या सीन था उस दिन, अब 5th पीरियड शुरू होता था हमारा 11:20 या 11:25 के बाद, हम चल जाते थे, जैसे बेल बजती थी मैं बोलता था कि चलो यार मैम से गालियाँ पड़ेंगी। अब यहीं से जो अपना इंसिडेंट शुरू होता है, तुम्हें मैंने बताया कि यार हम कबड्डी बहुत ज़्यादा खेलते थे, कोई भी फ्री पीरियड मिल गया तो कबड्डी ही खेल ली हमने। अब ऐसे फ्रेंडली मैच खेलते, कभी एंट्री लगा लेते थे। अब हुआ कि जो चार पांच दोस्त थे ना, वो बिल्कुल मानते नहीं थे, उन्होंने मतलब अब स्कूल अपने अपने कब्जे में रखा हुआ था उन्होंने। तो अब क्या हुआ, अब 5th पीरियड शुरू हो गया, अब मैं चला गया क्लास में, मेरे तीन चार दोस्त हम क्लास में चले गए, और ये इतने क्या बोलते निकम्मे थे, ये कबड्डी खेले जा रहे, और मतलब सब पूरा ग्राउंड खाली हो गया है, ये चार पांच ना वहाँ गोल पोस्ट के पास इन्होंने लाइन बनाई, कबड्डी खेल रहे, और मैम आ गई हुई है अंदर क्लास में। मैम ऐसे अटेंडेंस लेते थे कि बच्चे पूरी क्लास में हैं कि नहीं है। अब मैम अटेंडेंस लगी लेने, और नाम आ गया तीन चार दोस्त का, मैं नाम नहीं लूंगा, और मेरे को पता है वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो बहुत हंसेंगे, वो बोलेंगे यार अक्षय तू भी यार हमारी बेइज्जती कर रहा है, बट दोस्तों देख लो यार मेरे को किस्सा सुना था, मैंने सुना दिया इंसिडेंट ना। अब क्या हुआ, तो मैम ने उनका नाम लिया, मैम ने बोला कि ऐसे रोल नंबर वाइज सबके, अब वो थे ही नहीं, और अब दो थोड़े बहुत बच्चे ऐसे थे चुगली लगा रहे थे कि मैम देखो देखो कि वो बाहर खेल रहे। अब हमारा जो क्लास थी ना वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ में थी, वहाँ जो ग्राउंड होता है उसके साथ में हमारी क्लास थी। अब खिड़की से मैम उन बच्चों को दिख रही है जो मेरे तीन चार दोस्त थे, वो आराम से कबड्डी खेल रहे, उनको कोई चिंता ही नहीं है, पूरे रिलैक्स में, आहा कोई उनको मतलब कोई फिक्र ही नहीं है पढ़ाई की, ऐसी मतलब नहीं है कि वो मतलब बड़े ही वो ऐसे करते, उस दिन पता नहीं उनको क्या हो गया, वो कबड्डी खेल रहे। मैम आवाज डालती, प्लीज गेट इन साइड, प्लीज कम इन साइड, वाई आर यू प्लेइंग, द ब्रेक इज ओवर। वो तभी खेल रहे, वो मैम को इग्नोर मार रहे, मैम देखती, अब मैम बोलती, मैं बोलता ही गए आज ये तो गए, मैं बोला कि आज नहीं बचते ये, इनका तो मैंने बोला गेम खत्म है, टाटा बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अब वो मानने को तैयार नहीं, फिर मैम ने बड़ी आवाज डाली। अब ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से आए हमारे पीटीआई सर। अब हमारे पीटीआई सर बड़े ख़राब थे, बट ये था कि जो हम मेरे दोस्त थे वो पीटीआई सर को काफ़ी अच्छे से जानते थे, क्यों, क्योंकि सर एथलेटिक्स भी सिखाते थे ना। तो अब उस सर ने बोला कि भाई तुम्हारी क्लास लगी, तुम क्लास में क्यों जा रहे हो, तो अब क्लास में बोला कि क्यों जा रहे हो तुम, तो अब क्लास में उन्होंने पता नहीं क्या बहाना मार दिया, उन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या बोला उन्होंने, हंसने लग पड़े वो, इतना मेरे को तब नॉलेज, इतना मतलब ध्यान नहीं है मेरे को, इतना नॉलेज है उस टाइम का। तो सर ने उन्होंने पनिशमेंट दी, सर ने बोला कि अब तुम पूरे दिन यहीं पे पूरे ग्राउंड में खेलते रहोगे। तो सर ने बोला, उसने बोला कि नहीं सर हमें जान दो प्लीज़ सॉरी, ऐसे ऐसे करके, और मैम पीछे से बकी हुई, मैम बोलती मैं सर इनकी क्लास शुरू होगी और ये क्लास में नहीं आ रहे, ला भाई उनको पड़ी गाली। वो एक को बोला कि तू ग्राउंड के चक्कर मार गया, कुछ ऐसा हुआ था याद है मेरे को, हाँ एक को बोला ग्राउंड के चक्कर मार गया, और दूसरे को बोला कि तू खेलता रहे पूरे दिन, वो कबड्डी खेलते रहे। फिर मैम ने बोला कि आओ इधर आओ तुम, जैसे पीरियड खत्म होने लगा फिर बस अंदर आए और ऐसे मुंह छुपा के चले हुए अंदर चुपचाप, बड़े आराम से चले हुए। अब मैं उनको देख के हंस रहा, उसने वो, मैं तो अंदर आ गया था क्योंकि यार मेरे को थोड़ा डर लगता है, इतने में मैं गट्स नहीं है कि यार मैं बाहर खेलूँ, वो चले हुए आराम से। अब मैम ने उनकी डायरी मंगवाई, एक बड़ा सा प्यारा सा खत लिख दिया, जब पेरेंट्स को नोट डाल दिया, आ भाई आगे स्वाद, ही दे वर प्लेइंग आउटसाइड। भाई देख लो ये होते हैं स्कूल के, मतलब इन्होंने प्रॉपर मजे इन्होंने लिए हुए, इनको कोई शर्म नहीं है कि कुछ भी हो जाए, बस इन्हें कुछ नहीं पड़ा, नोट लिया था, साइन विन कराए थे और कुछ नहीं, और बस क्लास में अंदर आ गए थे, बस टीचर ने गुस्सा किया, इन्होंने टीचर्स ने बोला कि अगली बार से ऐसे मत करना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत लेक्चर दिया, और बस ये अंदर आ गए, इनको कोई शर्म नहीं, कबड्डी खेल जा रहे। तब के मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इतना हम कबड्डी खेला करते थे, और कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो गया तो यार हमने कबड्डी ही खेलनी है, तो बस ऐसे ही फ्री बैठा था, तो सोचा कि यार फ्रेंड्स की थोड़ी याद आई थी, सोचा कि चलो अब तो दोस्त अलग अलग हो गए हैं ना, कोई कोई पता नहीं कहाँ हरियाणा साइड चले गए हैं, तो ऐसे ही याद आ रही थी, सोचा कि चलो इनको याद ही कर लेते हैं, उनके ऊपर वीडियो बना लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। कमेंट करना कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, बस छोटी सी वीडियो थी, जल्दी से कमेंट करना मेरे को, और 3 घंटे के अंदर 3 आवर से पहले जो भी कमेंट करेगा आई डेफिनेटली गिव हिम अ हार्ट, दिल दे दूंगा मैं, समझ रहे हो। और बस यहीं पे करते हैं वीडियो एंड, छोटी सी एक इंसिडेंट था, गालियाँ गुलियाँ तुम्हें पता, टीचर से पढ़ी, और बस उनको पढ़ी गालियाँ, बस वो वापस अपने रूटीन में आके कबड्डी कबड्डी खेली हमने और बस मजे किए। तो चलो यहीं पे करते हैं वीडियो को, एंड आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो गाइस, खुश रहो जिंदगी में और खुशियाँ बांटते रहो, हेट मत फैलाओ, और बस ये बोलूँगा जिंदगी में खुश रहो यार। यारों से बने हम, ये नंबर मनियारी है।